हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब? सब बढ़िया? आज के इस वीडियो में लोग किसी भी गेम के फुटस्टेप साउंड को इंक्रीज करने वाले हैं, चाहे वो पबजी हो या फिर सीओडी हो या फिर फ्री फायर हो। और ये सब मैं करने वाला हूँ एक ऐप की मदद से जिसका नाम है वाइपर फॉर एंड्रॉयड, और ये सारे एंड्रॉयड में वर्क करेगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना बिना स्किप किए हुए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लोग रोज लाते रहते हैं, एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो चलते हैं सीधे होम स्क्रीन पे। तो अभी हम लोग मैजिक मैनेजर को ओपन करते हैं एंड यहाँ पे मॉड्यूल सेक्शन पे जाते हैं, एंड मैं सारा मॉड्यूल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो मैं फाइल यूज़ किया उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जिसके पास अगर बिजी बॉक्स इंस्टॉल है तो उनको इनको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, और जिनके पास नहीं है बिजी बॉक्स तो वो कर सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड सिंपली इस पर क्लिक करना है, एंड हो जाने के बाद इसको रिबूट कर लेना है। रिबूट होने के बाद सिंपली हम वापस से मैजिक को ओपन करेंगे, एंड यहाँ पे हम लोग को एक और मॉड्यूल फ्लैश करना है जिसका नाम है वाइपर फॉर एंड्रॉयड एफएक्स। तो इसको फ्लैश करते टाइम हम लोग के डिवाइस में एक ऐप इंस्टॉल हो जाएगा, वाइपर फॉर एंड्रॉयड एफएक्स, सारा काम उसी से। तो अभी ऐप को इंस्टॉल होने देते हैं। तो यहाँ पे हमारा मॉड्यूल फ्लैश हो चुका है, तो अभी चेक कर लेते हैं हमारे डिवाइस में ऐप इंस्टॉल हो गया या नहीं हो गया। तो यहाँ पे हमारा ऐप इंस्टॉल हो चुका है, तो इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे नो ड्राइवर फाउंड आ रहा है, इसको ओके करते ही यहाँ पे कुछ डाउनलोड लेंगे और उसके बाद डिवाइस रिबूट हो जाएगा। तो आफ्टर रिबूटिंग अभी सारा मेन प्रोसेस यहीं से है, तो जैसे जैसे मैं स्टेप्स करूँगा वैसे वैसे आपको करना है। तो आपको अभी कोई फाइल मैनेजर खोलना है तो मैं JDRCO खोल लेता हूँ, एंड मैं डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दूंगा जिसका नाम है inkeyfootstep.zip। इसको एक्सट्रैक्ट करना है बट यहाँ पे नहीं, एंड्रॉयड में जाना है, फिर डाटा में जाना है, उसके बाद यहाँ पे सर्च करना है com.pit/bandwidth करके होगा, एंड ये रहा, इसके अंदर फाइल्स में जाना है एंड यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर देना है। इसके बाद इंक्रीज फुटस्टेप पे जाना है जिसमें लास्ट में .vdc है, उसको कॉपी करना है एंड उसको DDC वाले फोल्डर में जाके पेस्ट कर देना है, एंड वापस उसमें जाना है एंड यहाँ पे जिसमें .irs है इसको कॉपी करना है, एंड इसको हम लोग को कर्नल वाले फोल्डर में पेस्ट कर देना है। अब हम लोग जो इंक्रीज फुटस्टेप वाले फोल्डर इसको डिलीट करते हैं, उसको कोई काम नहीं है। तो यह हमारा सारा चीज़ पेस्ट हो चुका है, ध्यान से एक बार आप कर लेना, एंड उसके बाद वाइपर फॉर एंड्रॉयड वाला ऐप ओपन करना है। तो अभी सेटिंग में जाने के बाद आप लेगेसी मोड और कॉम्पैटिबिलिटी मोड को ऑन कर लो, और आपको अभी ईयरफोन कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि अभी एक गेम का साउंड इंक्रीज करना, तो आप ईयरफोन पर ही खेलोगे। तो सबसे पहले आप ईयरफोन कनेक्ट कर लो, और जैसे ही ईयरफोन कनेक्ट करोगे तो ज़्यादा सेटिंग यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ से मैं जो जो सेटिंग करूँगा वैसे वैसे आप सेटिंग कर लेना अपने एंड्रॉयड वाले ऐप में। तो यहाँ से ध्यान से देखना और सेम सेटिंग कर लेना। तो यहाँ पे हमारा पूरा सेटिंग्स कंप्लीट हो चुका है, तो सिंपली अभी ऊपर वाला एक फाइल का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है, एंड देन यहाँ पे न्यू पे जाके इस प्रीसेट को कोई नाम दे देना है। इस चीज़ से क्या होगा कि अगर आपका सेटिंग इधर उधर हो गया, छेड़छाड़ हो गया, तो आप वापस से सेटिंग आराम से ला सकते हो सिर्फ एक क्लिक से।
तो यहाँ पे जैसे कि आप इधर सेटिंग सारे बंद कर दिए, ठीक है। और आपको वापस से एक क्लिक पे सेटिंग लाना है, सिंपली वो फाइल वाले पे क्लिक करेंगे, देन पबजी फुटस्टेप पे, देन लोड पे, तो आपका सारा सेटिंग्स आ जाएगा। तो ऐसे करके आप अपना खुद का प्रीसेट भी बना सकते हो। और आज की वीडियो में बस इतना ही था, अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।